जनपद मुजफ्फरनगर विकास भवन स्थित सभागार में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने मुख्यमंत्री की हर घर जल योजना के अंतर्गत जल निगम के अधिकारी के साथ योजना में मिल रही ब्लॉक प्रमुख द्वारा ही कमियों को लेकर बैठक की गई। वही मंत्री के साथ ही बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाला, वही डीएम अरविंद मल्पा बंगारी और सीडीओ सहित पंचायत अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। के लिए पवन अग्रवाल मुजफ्फरनगर। मंत्री जी, आज जल निगम की बैठक ली गई है, किस तरह की अनियमितता मिली है, किस तरह की कार्रवाई के आदेश आप दिए? देखिए, जल जीवन मिशन जो गांव में हर गांव में हर घर को जल प्रधानमंत्री का एक सपना है, उसे लेकर हर गांव में टंकी बनाने का कार्य चल रहा है। लेकिन हर गांव से रास्तों की शिकायतें हैं, हर गांव से क्वालिटी की शिकायत है, रास्ते खोज दिए जाते हैं, छह छह महीने ठेकेदार नहीं जाता। इस संबंध में आज बैठक थी, सभी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोबड़े बैंक के चेयरमैन, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। ये कहा गया कि अगले गाँव में काम अभी तक शुरू ना किया जाए जब तक पुराना काम कम्प्लीट ना किया जाए, और सबसे बड़ा फोकस रखा जाए रास्ते जो ठीक किए जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी उनकी नहीं है, रास्ते ठीक किए जाएं, और जिस गांव में भी काम समाप्त किया जाए वहां के प्रधान और सेक्रेटरी के सिग्नेचर के बिना ये मान्य नहीं होगा कि काम पूरा हो चुका है। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, हमें बेहतर काम करवाना है। ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। मेरी माननीय मंत्री जी से, प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव जी से और केंद्र सरकार में शेखावत जी से दोनों से बात हुई, मैंने दोनों को इस बारे में अवगत कराया क्वालिटी की जो समस्याएं हैं, और अब दोबारा मीटिंग 4 तारीख को कोशिश करेंगे कि क्वालिटी ठीक हो, अच्छी तरह से हर घर को जल भी मिले और रास्ते भी खराब ना। मंत्री जी, 50 रुपये पर गांव, पर हेड, पर गांव के लिए बोले हैं लेने के लिए जल निगम के। देखिए, वो पहले से ही सरकार की योजना ही है, उसमें भी अगर पैसे लिए जाए तो। सरकार का काम टंकी बनाना है, जब टंकी चलेगी, टंकी चलाने के लिए पहले से ही प्रावधान है जिन गाँव में टंकी लिया है कि हर परिवार को हर कनेक्शन के हिसाब से 50 रुपये महीने का बिल इसमें आता है। ऐसा तो वो टंकी तो बन चुकी, सरकार ही बनाएंगे, लेकिन भविष्य में उसमें उसके रख रखाव में उन चीजों के काम आता है, वो गांव का पैसा गांव में रहेगा। जिस तरह की अनियमितता मिली है जल निगम के जो ठेकेदार है प्राइवेट कंपनी के, उन पे एफआईआर करवाने के लिए आपने? नहीं, ये बात हुई है कि उनके मालिक बुलाए जाएंगे, चूंकि यहाँ कर्मचारी थे, और कोई अनियमितता ज्यादा रही तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।